यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फरीदाबाद के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित मोरारी बापू की रामकथा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मोरारी बापू के दर्शन किए और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक व्यक्ति के चरित्र का विकास नहीं होगा तब तक हम भौतिक विकास नहीं कर सकते। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है तो वैसे संत जनों के इसी तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से होता है। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण अच्छा होता है तो वो समाज के लिए अच्छे कार्य करेगा और यदि उसका चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो वो अनैतिक कार्य ही करेगा। कुछ अंश सुनने का बड़ा इच्छा लेकर के मैं आया हूँ, मतलब बोलने के लिए भी आया हूँ, फिर भी मन में विचार हो रहा है कि हम लोग सरकारें चलाते हैं, सरकार चलाने में जो अपेक्षा रहती है वो रहती है कि विकास किया जाए और विकास लोगों को समझ में आता है निर्माण से। निर्माण भी कम सा, ये सड़कें बन गई, ये रेलवे बन गई, ये अस्पताल बन गए, ये विद्यालय बन गए, ये उद्योग खड़े हो गए। इस भौतिक निर्माण को विकास की परिधि में लोग ले आते हैं और मानते हैं इतिश्री। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस भौतिक निर्माण के साथ साथ जब तक व्यक्ति निर्माण न हो, जब तक चरित्र निर्माण न हो, तब तक हम विकास की उस परिधि को छू नहीं सकते जो हमको चाहिए।